नमस्ते बच्चों, आप सबको विजडम मेरा इंग्लिश मीडियम हायरी प्राइमरी स्कूल में स्वागत है। ओके, कल हमने देखा था यहाँ पे कक्षा कौन सी है, यहाँ पे एक यानी कि यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड। ओके, एक ही कक्षा का व्यंजन गीत, व्यंजन गीत के बारे में देखा था कल हमने। कल मीन्स एस्टरडे हमने देखा था का से लेकर न तक के वर्ण के बारे में। वर्ण मीन्स लेटर, वहां से वर्ण से शब्द के बारे में, वर्ड्स के बारे में देखा था ना। का से कबूतर, खा से खबर, गा से गमला, घा से घर, न वर्ण होता खाली, मिलकर बजाओ ताली ताली। ये हमने कल देखा था ना, का से लेकर न तक देखा था। तो आज हम यहाँ देखेंगे चा से लेकर न तक। ओके, देखो, चा से चमचम, छा से छत, जल का झरना, झर झर झर। देखो, चा से चमचम, छा से छत, जल का झरना, झर झर झर। न वन होता खाली, मिलकर बजाओ ताली। देखो बच्चों, यहाँ पे कौन सा अक्षर है, चा। चा से चमचम, आपको पता है जैसे कोई नए कपड़े मीन्स न्यू क्लॉथ पहनता है तो बोलता है कि चमचम, यानी कि चमक रहा है, सुपर है, इस तरह से बोलते हो ना। तो यहाँ पे वही चमचम है, जैसे कि शाइनिंग करना, चमचम करना। मीन्स छा से छत, छत यानी कि यहाँ पे छत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको? ऐसे देखो बच्चे, यहाँ पे छा से छत, छत यानी कि उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूफ बोलते हैं। जैसे कि आपके घर का जो ऊपर होता है ना, ऊपर स्थान, ऊपर भाग, उसे हम छत बोलते हैं। ओके, छा से छत। नेक्स्ट, जल का झरना, झर झर झर। देखो, जल, जल भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस, जल बोलते तो वाटर बोलते हैं। तो जल को और एक मीनिंग हिंदी में क्या बोलते हैं, पानी, क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। तो जल का झरना, झरना आपको पता है वर्ण। देखो यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे माउंटेन है, पर्वत है, और यहाँ पे ऊपर से पानी, पानी यानी कि जल, यहाँ पे जल बह रहा है। एग्जांपल के लिए जो फर्श देखे हो, जो फर्श में ऊपर से नीचे पानी इस तरह से पड़ता है ना, उसे हम झरना बोलते हैं। जो पानी बहता है उसे झरना बोलते हैं। जल का झरना, झर झर झर। न वन होता खाली, खाली मीन्स एम्प्टी, यहाँ पे ना अक्षर से कोई शब्द नहीं आता, तो यहाँ पे जो वन है वो खाली है। मिलकर बजाओ ताली, ताली यानी कि क्लब। ओके, ताली यानी कि क्लब, तालियां में तो क्लब, अगर एक हो तो ताली, बहुत हो तो तालियां। ओके, क्लब्स। तो यहाँ पे सिंपल से देखो, एस्टरडे हमने क्या देखा था, एस्टरडे क्लास में, का से कबूतर, खा से खबर, गा से गमला, घा से घर, वर्ण है वो खाली है। नेक्स्ट, चा से चमचम, छा से छत, जल का झरना, झर झर झर। न वर्ण होता खाली, मिलकर बजाओ ताली। ओके, यहाँ पे सिर्फ चा से चमचम नहीं, चा से चम्मच आता है, चाचा आता है, और बहुत से वर्ण आते हैं। छा से छतरी है ना, छतरी आता है, यहाँ पे छत्र आता है, और जा से जहाज आते हैं, जा से बहुत से शब्द आते हैं। तो इसके बारे में किताब कार्य में कुछ जो टेक्स्ट बुक वर्क है अभी हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन सा अक्षर है, ये चा। चा से चटाई यानी कि मैट। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे चा अक्षर है ना वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, सोई हुई रेखा, स्लीपिंग लाइन, सोई हुई रेखा, आधा गोल, हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, खड़ी हुई रेखा, स्लीपिंग लाइन, सोई हुई रेखा। तो
तो जैसे है ना चा अक्षर सेम वैसे ही ये सब कुछ आपको लिखना है। नेक्स्ट चा के बाद छा, छा से छतरी यानी के अम्ब्रेला। तो जैसे ही छा है आधा गोल हाफ सर्कल पूरा गोल फुल सर्कल, स्टैंडिंग लाइन खड़ी हुई रेखा, स्लीपिंग लाइन सोई हुई रेखा। तो जैसे है ना सेम वैसे ही लिखना है। यस, नेक्स्ट यहाँ पे जा, छा, छा के बाद जा, कौन सा अक्षर है कौन सा लेटर है जा, जा से जहाज यानी के शिप। तो सेम आपको भी वैसे ही लिखना है जा, कौन सा अक्षर है ये जा, जब भी आप लिखते हो बोल बोल के लिखिए, कौन सा अक्षर है ये जा। ओके, नेक्स्ट जा के बाद झा, क्या है ये झा, झा से झरना यानी के स्ट्रीम वाटरफॉल, झा से झरना स्ट्रीम वाटरफॉल। देखो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन खड़ी हुई रेखा, आधा गोल हाफ सर्कल और यहाँ पे क्रॉस लाइन तिरछी रेखा, स्लीपिंग लाइन सोई हुई रेखा, स्टैंडिंग लाइन खड़ी हुई रेखा, स्लीपिंग लाइन सोई हुई रेखा। आपको सेम इसके ऊपर ही लिखना है। देखो च छ के बाद न्या आता है, न्या से कोई शब्द कोई वर्ड नहीं आता, ये ना जो है खाली होता है। तो आपको ऐसे ही सेम लिखना है, आधा गोल हाफ सर्कल खड़ी सोई हुई रेखा स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन खड़ी हुई रेखा स्लीपिंग लाइन सोई हुई रेखा। सेम आप सारे वर्ण को लिखना है। नेक्स्ट पढ़ो और लिखो, पढ़ो यानी के रीड, लिखो यानी के राइट। ओके, च छ ज झ न, ओके सेम लिखना है, च छ ज झ न। ओके, सेम ऐसे ही यहाँ पे जो थर्ड लाइन है तीसरी लाइन उसमें भी लिखना है। तो यहाँ पे देखो च, नेक्स्ट छ, ज झ न। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ शब्दकोश वर्ड बैंक, चा से चम्मच स्पून, चा से चरखा स्पिनिंग व्हील, चा से चमेली जैस्मिन, छा से छत्ता हाइव, छा से छलनी स्ट्रेनर, छा से छड़ी स्टिक, जा से जल वाटर, जा से जग जग, जा से जलेबी जलेबी, झा से झबला वेस्टवारे बेबी, झा से झंडा फ्लैग, झा से झड़ी शावर। तो देखो बच्चों अभ्यास में कुछ यहाँ पे मेन्स है, यहाँ पे जो फर्स्ट मेन है वर्ण पहचानो और सही वर्ण पर गोला लगाओ। यहाँ पे जो च छ ज झ वर्ण है ना अक्षर है ना सेम अक्षर यहाँ पे है, तो हमें पहचान कर वहाँ पे गोला लगाना है, गोला मीन्स सर्कल। देखो चा अक्षर, तो यहाँ पे चा कहाँ है यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी गोला लगाया गया है। तो नेक्स्ट कौन सा अक्षर है छा, तो ये छा है नहीं, ये जा है, ये खा, ये घ, ये कौन सा है छा, एस, वेरी गुड। तो आपको यहाँ पे छा गोला लगाना है। नेक्स्ट जा है ये क न ज न, तो यहाँ पे कौन सा आएगा जा, और यहाँ पे झ झ च छ जा, तो कौन सा है यहाँ पे झा अक्षर, ए है नहीं, ये है झा अक्षर। नेक्स्ट सेकेंड मेन, चित्र देखो और नाम का पहला वर्ण लिखकर शब्द पूरे करो। ओके, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, आपको क्या करना है पिक्चर्स के नेम का पहला वर्ण, पहला मीन्स फर्स्ट, वर्ण मीन्स लेटर, फर्स्ट लेटर को लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा चित्र है, जलेबी, तो फर्स्ट लेटर जा।
ये कौन सा चित्र है यहाँ पे? एस चरखा, यहाँ पे फर्स्ट लेटर च। ये कौन सा चित्र है? जहाज, फर्स्ट लेटर ज। ये कौन सा चित्र है? चम्मच, फर्स्ट लेटर च। ये चित्र झरना, फर्स्ट लेटर झ। ये चित्र छतरी, फर्स्ट लेटर छ। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सही वर्ण लिखकर खाली जगह भरो। यहाँ पे खाली जगह है ना, यहाँ पे, यहाँ पे आपको सही वर्ण मीन्स करेक्ट लेटर लिख के फिल करना है। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर है फर्स्ट? क। का के बाद कौन सा अक्षर आएगा? एस, ख। का के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ख, नेक्स्ट ग, गा के बाद घ, नेक्स्ट न्य। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा? च। च के बाद छ, छ के बाद ज, झ, न्य। ये दोनों लेटर्स को आपको ही लिखना है।